Welcome students, welcome to Digimento Education. Today we are going to know something more about IELTS, commonly known as IELTS. What is IELTS? सबसे पहले तो लोगों को यही नहीं पता कि IELTS होता क्या है और IELTS क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है. आज इस वीडियो में हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं. वी आर गोइंग टू ब्रीफ यू अ बिट अबाउट IELTS. IELTS और IELTS, also commonly known as, stands for International English Language Testing Systems. IELTS stands for International English Language Testing Systems. I for in here E L T S. In short, IELTS. IELTS एक international language का आपका English का level test करता है. Basically, जो students बाहर जाना चाहते हैं अपनी higher studies के लिए वो IELTS का exam देते हैं. और कई बार लोग अपने work permit के लिए बाहर जाते हैं या PR के लिए बाहर जाते हैं. दोनों cases में आपको IELTS का exam देना compulsory है. पहले कई लोग जैसे स्पाउस वीज़ा पे जाते थे, मान लीजिए कि मेरा हस्बैंड बाहर है और मुझे जाना है तो मुझे IELTS देने की ज़रूरत नहीं थी. लेकिन रिसेंटली आई मीन इफ़ यू टॉक अबाउट राइट फ्रॉम 2013 गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया है कि आपको अगर स्पाउस वीज़ा पे भी जाना है तो आपको IELTS का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा. IELTS के एग्ज़ाम्स, अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो एग्ज़ाम्स मेनली दो तरह के होते हैं. वन इज़ योर एकेडमिक एग्ज़ाम्स and the second is your general exams. Okay, let's know something more about academics and general. ये होते क्या है? Academics ज़्यादातर academics like related to studies, ज़्यादातर academic exams 99.9% वो लोग देते हैं जो आपका higher studies के लिए abroad जाते हैं. लेकिन लीजिए कि आप अपनी studies के लिए कोई ऐसी country जा रहे हैं जहाँ पर इंग्लिश नहीं उनकी मेन लैंग्वेज. सो IELTS के एग्ज़ाम मेनली उन्हीं कंट्रीज़ के लिए वैलिड होता है जहाँ पर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश होती है. कई लोग अपने स्पेशली जो लोग इंजीनियर्स होते हैं अपने एमटेक के लिए फर्दर स्टडीज़ के लिए जर्मनी जाते हैं बिकॉज जर्मनी इज़ वेरी पॉपुलर, वेरी रिनोन फॉर IELTS फॉर योर आई मीन इंजीनियरिंग्स. इन दैट केस उनको भी अकेडमिक्स देना पड़ता है. क्यों? माना उनकी फर्स्ट लैंग्वेज जर्मन है लेकिन फिर भी इंटरनेशनली जब वो थीसिस स्टडी करते हैं या रिपोर्ट्स बनाते हैं दे आर ऑल इन इंग्लिश. सो एकेडमिक एग्ज़ाम्स मोस्टली वो लोग देते हैं जो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाते हैं, अपनी स्टडीज़ के लिए जाते हैं, मोस्टली वो लोग देते हैं. लेकिन कुछ प्रोफेशनल्स भी IELTS academics का एग्ज़ाम देते हैं. प्रोफेशनल्स लाइक IT पीपल जो कि IT लोग होते हैं और डॉक्टर्स आपके academics का एग्ज़ाम देते हैं और नर्सेज. सो यू कैन से दैट पीपल रिलेटेड टू हॉस्पिटल हॉस्पिटैलिटी आई मीन दिस हॉस्पिटल सेक्टर जो होते हैं मेडिकल सेक्टर, उन लोगों को भी बेशक वो अपने वर्क के लिए बाहर जा रहे हैं लेकिन उस केस में भी उन्हें अकेडमिक्स देना पड़ता है. सो अगर आप इन प्रोफेशंस को बिलोंग करते हैं और आपके दिमाग में डाउट है कि मेरे को कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा अकेडमिक्स या जनरल, लेकिन अगर आप इन प्रोफेशंस को बिलोंग करते हैं तो आपको 99.9 केसेस में आपको अकेडमिक्स एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा. जनरल यूजुअली व्हेन पीपल गो आउट फॉर देयर वर्क उसके लिए या आपके PR के लिए या अगर आप लाइक अपने स्पाउस वीज़ा पे जा रहे हैं उस केस में आपको नॉर्मली जनरल एग्ज़ाम देना पड़ता है. सो आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि आप किस प्रोफेशन, अगर आप स्टूडेंट हैं यू नो दैट यू हैव टू गिव एकेडमिक्स एग्ज़ाम, अगर आप इन प्रोफेशंस को बिलोंग करते हैं अगैन यू हैव टू गिव एन एकेडमिक्स एग्ज़ाम्स, जनरल अगर आप नॉर्मल इसके अलावा कोई और प्रोफेशन के लिए जा रहे हैं लाइक यू आर अ शेफ और यू आर गोइंग देयर एज अ नॉर्मल MBA करके जॉब के लिए जा रहे हैं,
PR मतलब permanent residentship के लिए जा रहे हैं. Like many people go to New Zealand, Canada for permanent residentship या spouse visa पे जा रहे हैं, तो उस cases में आपको general exam देना पड़ता है. अब उसके बाद question आता है कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, what is the basic difference between an academic and a general exam. So let's look into the difference now. अब हम देखते हैं कि दोनों में एक डिफरेंस क्या होता है. बेसिकली आइल्स में चार एग्जाम्स होते हैं. फर्स्ट होता है हमारा रीडिंग. अब इसके बाद हम बाद में डिस्कस करेंगे अलग अलग के कितने क्वेश्चंस होते हैं, कैसे हम उनको टैकल करते हैं. दूसरा होता है हमारा राइटिंग. देन वी हैव इज लिसनिंग एंड द लास्ट इज योर स्पीकिंग. सो बेसिकली आइल्स में ये चार एग्जाम्स होते हैं. अब इसमें एकेडमिक और जनरल में किस तरह से डिफरेंस होता है, जब हम रीडिंग की बात करते हैं दोनों एग्जाम, इनके ड्यूरेशन सबके सेम होते हैं दोनों के केसेस में. एकेडमिक के केस में जो रीडिंग होता है, यहाँ पर आपको तीन पैसेजेस आते हैं पढ़ने के लिए, और ये पैसेजेस एक नॉर्मल आपके स्कूल के पैसेजेस नहीं होते, ये एक हाई लेवल डिस्टिंग्विश्ड पैसेजेस होते हैं जो कि या तो किसी न्यूज़ एक्सट्रैक्ट से हो सकते हैं, किसी रिसर्च के ऊपर हो सकते हैं, किसी सर्वे के ऊपर हो सकते हैं, या किसी एडिटोरियल के ऊपर हो सकते हैं. और ये जो पैसेजेस होते हैं वो किसी भी सेक्टर से हो सकते हैं. इट कैन बी फ्रॉम आर्ट्स, इट कैन बी फ्रॉम लिटरेचर, इट कैन बी फ्रॉम साइंस, इट कैन बी फ्रॉम फिक्शन, इट कैन बी फ्रॉम एनी एक्स वाई जी बैकग्राउंड. तो आप ये नहीं सोच सकते कि अरे मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ या मैं तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ तो मुझे साइंस से रिलेटेड ही आएगा. ऐसा कुछ नहीं होता. दे आर जनरल टॉपिक्स रिलेटेड टू द थिंग्स. इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं वो हम आगे जब रीडिंग वो सब करेंगे होगा. द डिफरेंस इज यहाँ पर मेन आपके तीन बड़े पैसेजेस आते हैं. इन केस ऑफ राइटिंग ये सेक्शन जो है रीडिंग, इट इज डिफरेंट इन बोथ द केसेस. रीडिंग एक ऐसा है जो कि इसमें और इसमें डिफरेंट होता है. यहाँ पर भी आपके तीन पैसेजेस होते हैं, लेकिन द डिफरेंस इज यहाँ पर जो दो पैसेजेस होते हैं हमारे टू पैसेजेस, वो आगे सब पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. मतलब यहाँ पे बड़े बड़े तीन पैसेजेस होते हैं, यहाँ पर दो पैसेजेस छोटे होते हैं और वो आगे छोटे छोटे पैसेजेस में डिवाइड होते हैं. तो वो थोड़े इजी हो जाते हैं लोगों के लिए पढ़ना या समझ पाना. एक मान लीजिए आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं जो कि एक पेज का आर्टिकल है, तो उससे क्वेश्चंस आंसर करना आपके लिए इजी होगा. लेकिन अगर आप एक पैसेज पढ़ रहे हैं जो कि दो पेजेस का कॉन्टिन्यूस है, उसके बाद आंसर कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. यहाँ पे दो पैसेजेस सब पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं और थर्ड पैसेज जो होता है वो टुगेदर एक बड़ा ही होता है. इन केस ऑफ राइटिंग, राइटिंग इज ऑल्सो डिफरेंट बिटवीन द एकेडमिक एंड जनरल एग्जाम. यहाँ पर आपके दो टास्क होते हैं मेनली. एक होता है हमारा जिसे हम कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग, और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं पैसेज. अब ये क्या होते हैं, इन्हें किस तरह से टैकल करते हैं वो हम आगे देखेंगे. यहाँ पर इन केस ऑफ जनरल एग्ज़ाम हमारा दो ही टास्क होते हैं, बट द डिफरेंस इज पहला टास्क जो होता है हमारा वो लेटर राइटिंग होता है. यहाँ पर एक रिपोर्ट राइटिंग होता है, आपको कुछ पाई चार्ट्स, कुछ हिस्टोग्राम सब दिए होते हैं, उसके हिसाब से आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है. लेकिन यहाँ पे आपको दे रखा है कि ये हुआ, आपको एक लेटर लिखना है. एंड द सेकेंड पार्ट इज द पैसेज विच इज़ द सेम इन बोथ ऑफ देम. सो अगर हम एकेडमिक और जनरल की बात करें तो मेन डिफरेंस होता है इन केस ऑफ योर रीडिंग एंड राइटिंग. लिसनिंग एंड स्पीकिंग दो डोंट हैव एनी डिफरेंस, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता. लिसनिंग में दोनों केसेस में चार आपके सेक्शंस होते हैं जो आपको आंसर करने होते हैं, और एवरी सेक्शन यूजुअली हैज़ 10 क्वेश्चंस ईच. सो दिस इज आल्सो द सेम हियर, फोर पैसेजेस और आई कैन से फोर सेक्शंस यू हैव टू डू. स्पीकिंग दोनों के लिए सेम रहता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता. तो एकेडमिक और जनरल में मेन डिफरेंस आता है रीडिंग और राइटिंग के केस में.
तो हो सकता है लोग सोचे ऐसा क्यों, इतना चीटिंग क्यों भाई, एकेडमिक्स के लिए इतना डिफ़िकल्ट क्यों और उनके लिए इतना इजी क्यों. बट अगर हम मार्क्स की बात करें, मार्किंग की बात करें, तो इस केस में नॉर्मली जनरल के केस में मार्किंग थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है इन कंपैरिजन टू एकेडमिक्स. चलिए अब देखते हैं एक एक करके हम इन सेक्शंस की बात करते हैं कि किस तरह से रीडिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, किस तरह से राइटिंग के होते हैं, अब हम उनकी बात करते हैं. Now, first of all, let's talk about the reading. सबसे पहले हम reading की बात करते हैं कि reading exam क्या होता है. Reading exam हमारा एक computerized testing होता है. Computerized in the sense, यहाँ पर आपको एक sheet दी जाती है, एक blank, एक sheet होती है इस तरीके से. यहाँ पे आपका जो भी roll numbers and passport numbers होते हैं, उसके बाद इस शीट्स में इस तरह से आपकी लाइंस होती हैं और यहीं पे आपको आंसर्स करने होते हैं. यहाँ पे लाइक 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपके लाइक 20 हेयर एंड 20 हेयर अराउंड होते हैं. आपको इसी में आंसर देना होता है. इस केस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है. पहली बात ये कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है. अगर आपने, क्योंकि ये कंप्यूटराइज चेकिंग है जैसा मैंने आपसे कहा, यहाँ पे आपने जो आंसर किया आपकी शीट को स्कैनर के ऊपर रखेंगे और ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में आपका रिजल्ट आ जाएगा. अब मान लीजिए कि आपने कोई वर्ड लिखा, आंसर लिखा, मान लीजिए आपका वो आंसर है एडवाइस. नाउ अब यहाँ पर मान लीजिए आपने वी आई इस तरह से लिख दिया और आपने डॉट नहीं लगाया, इन दैट केस कंप्यूटर इसको आई ना लेके ई ले लेगा, क्योंकि कंप्यूटर वही लेगा जो उसमें फीडेड है. वहाँ पे ह्यूमन एरर्स के लिए कोई जगह नहीं है. अब अगर आपने इस तरह से लिख दिया, आपके हिसाब से आपने आई लिखा, हो सकता है आपने आई बहुत हल्का सा डॉट डाला जो नज़र नहीं आ रहा है, तो अगर कंप्यूटर उस डॉट को नहीं पढ़ पाएगा तो वो इसको ई ले लेगा और वो उसको क्रॉस कर देगा. सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल व्हेन यू राइट योर आंसर्स इन योर शीट. और दूसरी बात ये, प्रेफरेबली अगर आपको प्रॉब्लम है या आपकी हैंडराइटिंग बहुत क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, प्रॉब्लम होती है, या आपको लगता है कि कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आप एक काम कर सकते हैं, प्लीज़ राइट इन द कैपिटल लेटर्स. इस तरह से लिख लीजिए, आपको कोई, दिस इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप इसको किसी भी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. बट यहाँ क्या होता है, इस केस में नॉर्मली हमारा हर वर्ड अलग अलग प्रॉपरली नज़र आता है, यहाँ पे कई बार प्रॉब्लम हो सकती है. सेकेंड थिंग इज, जो भी आप आंसर करेंगे वो प्लीज़ मेक श्योर इसके अंदर करें, इस लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो लाइन के नीचे चला गया तो वो दूसरा आंसर काउंट हो जाएगा और वो गलत हो जाएगा. तो इन दो चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा जब आप आंसर करेंगे, इस आंसर शीट में अपने आंसर्स ट्रांसफ़र करेंगे, तो उस केस में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. अब अगर हम बात करते हैं रीडिंग एग्ज़ाम्स की, रीडिंग एग्ज़ाम्स मेनली हमारा 60 मिनट्स का होता है. 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर, राइट. अब मैंने 60 मिनट्स क्यों कहा वो मैं अभी आपको बताती हूँ. सबसे पहले हम बात करते हैं एकेडमिक एग्ज़ाम्स की. एकेडमिक एग्ज़ाम्स में रीडिंग फॉर्मेट किस हिसाब से होता है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि एकेडमिक एग्ज़ाम्स में रीडिंग जो है 3 पैसेजेस होते हैं. यहाँ पर हमारे पास 3 पैसेजेस होते हैं. अब ये 3 पैसेजेस जो हैं वो आपको 60 मिनट्स के हिसाब से करने हैं. दैट मीन्स आपके पास तीनों पैसेज करने के लिए 20 मिनट्स हुए, इसलिए मैंने 60 मिनट्स कहा. आपको एक पैसेज 20 मिनट्स में करना होता है. नॉर्मली आपको इस एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चंस होते हैं जिसे हम आंसर करते हैं. अब आप ये 40 क्वेश्चंस को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, तो हो सकता है किसी एक में 13 हो, एक में 14 हो, एक में 13 हो, या हो सकता है इसमें 14 हो, इसमें 13 हो, कुछ भी हो सकता है. किसी में 15 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, बट नॉर्मली आपके यूजुअली 40, 99% केसेस में 40 क्वेश्चंस होते हैं. कभी कभार 41 भी हो सकते हैं, बट दैट्स वेरी वेरी रेयर चांसेस. 39 भी हो सकते हैं, बट नॉर्मली इट इज़ 40 क्वेश्चंस. अब इन 3 पैसेजेस को जब आप करते हैं, तो अब आपको नहीं पता क्या है, तो हम क्या करते हैं जब भी रीडिंग स्टार्ट करते हैं,
सबसे पहले हम एक मिनट लगाते हैं, पहले हम पैसेज के ऊपर उसका टाइटल पढ़ते हैं. मान लीजिए एक एग्ज़ाम है हमारा, उसमें मेरे एक टाइटल है टूरिज्म, एक है मेरा सोलर सिस्टम, एक है मेरा मेडिसिंस, कोई भी मेडिसिन या डिक्शनरीज फॉर एग्जांपल. अब बीइंग अ लैंग्वेज ट्रेनर मुझे लगता है कि शायद मेरे लिए टूरिज्म या डिक्शनरी इजी हो सकता है. आई कैन नॉट बी श्योर, हो सकता है वो डिफ़िकल्ट ही हो, बट मुझे शायद ये लगे कि वो मेरी फील्ड से रिलेटेड है या इजी हो सकता है, तो मैं उसे यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं उसके साथ रीडिंग स्टार्ट कर सकती हूँ. ऐसा नहीं है कि आपको पहले फर्स्ट पढ़ना है, सेकंड पढ़ना है, थर्ड पढ़ना है, ऐसा कोई रूल नहीं है. आपको अगर थर्ड वाला इजी लगता है या आपको लगता है कि शायद आपको उस सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है टॉपिक के बारे में, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं. फिर आप फर्स्ट पढ़ सकते हैं, सेकेंड पढ़ सकते हैं, ये आपकी खुद की अप्रोच है. यूजुअली अगर मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ, आई ऑलवेज सजेस्ट देम टू गो फॉर अ बॉटम अप अप्रोच. बॉटम अप अप्रोच मीन्स पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, और जब क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप आंसर मतलब अपना पैसेज पढ़ते हैं, टेक अ पेंसिल और जो चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट लगती है आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए उस कॉपीड शीट के अंदर. इट इज़ अ फोटो कॉपी दैट यू गेट विद द क्वेश्चन एस, और उसके अंदर अंडरलाइन कर लीजिए, और बाद में जब आप दोबारा पढ़ेंगे देन यू कैन मैच योर क्वेश्चंस देयर. अच्छा ये है ये है. लेकिन आइल्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप, हो सकता है ऊपर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द पैसेज वो उसको बोले नहीं जी वो अप्रोच तो गलत है, ये अप्रोच लेटेस्ट है. तो आपको आइल्स के केस में पूरा पैसेज को ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. सो आप आंसर, आप पहले अपने आंसर जो है वो चाहें तो रफ वे में अपने वहीं शीट पे कर सकते हैं, पर आपको विद इन 60 मिनट्स आपको वो आंसर जो हैं वो इस शीट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे. आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा आंसर कॉपी करने के लिए इन केस ऑफ रीडिंग एग्जाम. प्लीज़ बी वेरी वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी केयरफुल. आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि 60 मिनट्स से आपको एक्स्ट्रा 5 मिनट्स का टाइम मिलेगा. द मोमेंट इट इज 60 मिनट्स आप सिर्फ शीट्स ले ली जाएंगी, चाहे आपने उसमें आंसर्स किए हैं या नहीं किए हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जनरल एग्जाम. ओके, इन केस ऑफ जनरल एग्जाम यहाँ पर भी हमारे 3 सेक्शंस होते हैं जैसे मैंने आपसे कहा. अब यहाँ पर फ़र्क ये होता है इन केस ऑफ रीडिंग, जैसे अगर मैं कहती हूँ सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 एंड सेक्शन नंबर 3. सेक्शन नंबर 1 एंड 2 जो होते हैं ये आगे 2 सब सेक्शंस में, मान लीजिए सेक्शन A एंड B में डिवाइडेड होते हैं. क्वेश्चन फॉर्मेट्स वही हैं, 13, 14, 13, 14 उसी तरह से, बट वहाँ क्या है आपको एक ही पैसेज पढ़ के एकेडमिक्स में 13, 14 क्वेश्चन आंसर करने. यहाँ पे मान लीजिए अगर आपके 14 क्वेश्चन हैं या 13 क्वेश्चन हैं, 1 can have 6 or 7 or 7 or 6. तो इसमें क्या होता है, एक तो पैसेज छोटा होता है, आपको आंसर्स ढूंढने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है, ईजिली आप आंसर ढूंढ सकते हैं. सेकेंड पैसेज विल बी द सेम, आपका 2 सब पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. सिमिलरली इट कैन बी द सेम फॉर मैट हेयर. लेकिन यहाँ पर जो थर्ड होता है ये वैसा ही होता है जिस तरह से आपका एकेडमिक्स में होता है, एक पूरा लंबा पैसेज, अ लॉन्ग वन, तो उसको आंसर करना होता है. नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स को जो एडवाइस करती हूँ कि अगर आपको बैंड्स चाहिए हैं, क्योंकि आइल्स में आपको मार्क्स नहीं मिलते, स्कोर्स नहीं होता, आपके स्कोर्स को हम बैंड्स बोलते हैं, और आइल्स में जो आपको बैंड्स मिलते हैं वो 9 में से मिलते हैं, और हर सेक्शन में आपको 9, 9, 9 में से मिलते हैं, और बाद में आपका एवरेज निकाला जाता है. 9 बैंड्स में से मान लीजिए कि मुझे अगर 7 बैंड्स चाहिए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और तो 7 बैंड्स का मतलब है मुझे अराउंड 30, 32 के बीच में मार्क्स चाहिए हैं. सो 30, 32 मेरे आंसर सही होंगे तभी मुझे 7 बैंड्स मिलेंगे. तो हमारा मकसद है मार्क्स मतलब लाना, अपने पॉइंट्स लाना, चाहे वो इस सेक्शन में आए, इधर से आए, इधर से आए. तो अगर आपको लगता है कि थर्ड सेक्शन डिफ़िकल्ट है, तो कोशिश कीजिए कि ये जो सेक्शन है आपका 1 और 2, जिसमें आपके 24, 23 क्वेश्चंस होंगे या 25, 26 क्वेश्चंस होंगे, कोशिश कीजिए उसमें से ज़्यादा आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. तो लास्ट वाले के ऊपर आपको इतना बर्डन नहीं पड़ेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईएलटीएस राइटिंग. आईएलटीएस राइटिंग क्या होता है, पहले हम बात करते हैं एकेडमिक एग्जाम्स की.
कैथलिक्स में हमारे दो टास्क होते हैं मेनली. पहला फर्स्ट होता है जिसे हम कहते हैं हमारा रिपोर्ट राइटिंग, और सेकंड होता है जिसे हम कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग. नाउ इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज, अगर ये भी हमारा 9 बैंड्स का है तो हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग नॉर्मली हमारा 3 बैंड्स का होता है और पैराग्राफ राइटिंग हमारा 6 बैंड्स का होता है. यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग जो है, या अगेन दिस एग्जाम इज अगेन फॉर 60 मिनट्स. अब 60 मिनट्स इसलिए क्योंकि फर्स्ट टास्क के लिए आपको मिलते हैं 20 मिनट्स एंड सेकेंड टास्क के लिए मिलते हैं आपको 40 मिनट्स. नाउ पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग में आपको कोई भी पाई चार्ट या हिस्टोग्राम या कोई भी रिसर्च दिखाया होता है आपको, उसके बेसिस पे सिर्फ आपको 150 वर्ड्स के अंदर आपको अपना एक रिपोर्ट बनाना होता है. यहाँ पे बेसिकली वो ये चेक करते हैं कि क्या आप सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सिस्टमैटिकली पेन डाउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर पैराग्राफ. पैराग्राफ राइटिंग जो होता है ये आपका, इसमें आपको मार्क्स मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर ग्रामर, ऑन द बेसिस ऑफ योर कंटेंट, ऑन द बेसिस ऑफ योर वोकैबुलरी. इस केस में आपको बेसिकली या एंड द लास्ट इज योर थॉट प्रोसेस, कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं. सबसे बड़ी बात, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि राइटिंग टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है, एंड नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आप ग्रामर मिस्टेक्स करते हैं ज्यादा, या आपका जो वोकैबुलरी, आप रिपीटेड वोकैबुलरी, बहुत कॉमन वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं, तो उस केसेस में आपके नेगेटिव मार्किंग भी होती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जनरल एग्जाम. जनरल में अगेन वी हैव टू टास्क हियर. नाउ इन केस ऑफ टू टास्क, द फर्स्ट इज योर लेटर राइटिंग. सबसे पहले आपको लेटर राइटिंग होता है फॉर 20 मिनट्स. यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई बैगेज खो गया है और आपने एयरपोर्ट वालों को लेटर लिखना है. सो आपको पॉइंट देते हैं कि आपको इन सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है. इट इज फॉर 20 मिनट्स एंड यू हैव टू राइट द लेटर इन 150 वर्ड्स. लेकिन जो पैराग्राफ्स होते हैं हमारे, वेदर इट इज एकेडमिक्स और योर जर्नल, इट इज मिनिमम 250 वर्ड्स. तो अगर आपके 250 वर्ड से कम होंगे तो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है. जनरल राइटिंग 150 वर्ड्स में आपको लेटर लिखना है एंड देन द पैराग्राफ इज एटलीस्ट, अगेन आपको इन्हीं मार्क्स, इन्हीं बेसिस पे आपको वहां पे भी जज किया जाता है, ग्रामर, कंटेंट, वोकैबुलरी एंड ऑफकोर्स योर थॉट प्रोसेस. And again, here is a negative marking. Minimum 250 words, दोनों में है आपके. अगर आप कम लिखेंगे तो भी आपकी negative marking. The next is your listening. अब listening हमारा academic और general दोनों में same रहता है, तो इसलिए इकट्ठे बात करते हैं. Listening exam is again just like reading, it is a computerized checking. Computerized exam होता है. आपको चार sections होते हैं. आपको चार sections में आपको booklet जैसे मिलती है, question है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज वन ऑफ देम, कुछ भी हो सकता है. व्हाइल लिसनिंग आपको रिकॉर्डिंग सुनते हैं और सुनते सुनते ही आपको उसके अंदर आंसर देने होते हैं. फोर सेक्शंस यूजुअली लाइक 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड होते हैं. इसमें आपको 40 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आंसर करने हैं. तो आप समझ सकते हैं कि अगर चार सेक्शन है तो नॉर्मली इट विल बी लाइक 10 questions. And this exam is for 30 to 40 minutes. इसलिए क्योंकि हो सकता है कि कोई recordings हो जो जल्दी जल्दी बोला हो तो आपका जल्दी हो सकता है, कोई बात थोड़ा आराम से या ज्यादा content है तो 40 minutes भी हो सकता है. यहाँ पे आपको सुनते सुनते ही answer करने हैं. ये नहीं कि आपने conversation सुन लिया उसके बाद आपको time मिलेगा answer करने के लिए. हाँ, आपको अपने आंसर्स चेक करने के लिए टाइम मिलेगा, लेकिन क्या होता है जब तक आप कन्वर्सेशन सुनते हैं और लिखने लगते हैं तो कई बार आप गुफ कर सकते हैं, मिक्सअप कर सकते हैं, तो आपको साथ साथ ही आंसर देने पड़ेंगे. यहाँ पे क्या होता है, हर सेक्शन के साथ आपका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है. डिफिकल्टी लेवल इन द सेंस, अगर हम बात करते हैं लिसनिंग की, तो हो सकता है कन्वर्सेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए या आपका रेट ऑफ स्पीच बढ़ जाए. नॉर्मली फर्स्ट 2-3 सेक्शंस में आपको मान लीजिए 4 क्वेश्चन का सेक्शन सुनाया,
फिर बाकी का सुनाया, लेकिन लास्ट सेक्शन तक पहुंचते पहुंचते इकट्ठा 10 सेक्शन का 10 क्वेश्चन का पूरा सेक्शन इकट्ठा होता है, तो थोड़ा सा रेट ऑफ स्पीच भी बढ़ जाता है, तो कई बार अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है। राइटिंग में ध्यान रखिएगा स्पेलिंग्स एंड ऑफ कोर्स हाउ यू राइट। सो दिस इज अबाउट योर द लास्ट पार्ट इज योर आईएलटीएस स्पीकिंग। स्पीकिंग नॉर्मली हमारा 5 to 10 मिनट्स का ही होता है, और इस केस में आपके साथ बहुत जैसे 2-3 सेक्शंस होते हैं, 2-3 टास्क होते हैं। मान लीजिए पहला आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आप कौन सी कंट्री जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वहीं क्यों जा रहे हैं, और आपसे पूछ सकते हैं कि मान लीजिए आपको एक कार्ड्स दे दिए, आपको उन कार्ड्स में से एक कार्ड उठाना है या एक स्लिप उठानी है, उसमें जो भी टॉपिक लिखा है, आपको पहले टॉपिक के पहले टास्क में आपको 30 सेकेंड्स का टाइम मिलता है सोचने के लिए। आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं और फिर उसके बाद बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद उस टॉपिक पे आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग्स हो सकती हैं, और उसके बाद आपको कोई और टॉपिक बोलने को मिल सकता है। जैसे मान लीजिए बुक्स आपको टॉपिक मिला, आपने बोला बुक्स ये है, बुक्स ऐसे, बुक्स 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 बुक्स। आफ्टर दैट आपको मान लीजिए बुक्स के बारे में कोई और क्वेश्चन पूछ लो, लाइक दीज डेज चिल्ड्रन दे डोंट हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग द बुक्स, so what do you think, who is responsible for it, the parents or the teachers? so interrelated बहुत सारे questions पूछे जा सकते हैं। तो normally इस case में आपके 2-3 tasks होते हैं जो कि आपको handle करने होते हैं। here you get marks on the basis of again your grammar, your content, your vocabulary and the last is your pronunciations। तो यहाँ पर आपको speaking के case में mainly आपको इन basis पे marks मिलते हैं, आपका ग्रामर सही है नहीं है, आपका कंटेंट क्या है जो आप बोल रहे हैं उसका कोई रेलेवेंस है कि नहीं है, वोकैबुलरी रिपीटेड ओल सिंपल वोकैबुलरी तो नहीं यूज कर रहे हैं, और प्रोनंसिएशन इंडिया के केस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है, और यहाँ पर प्रोनंसिएशन लाइक एजुकेशन और पेयर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आती हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको अमेरिकन एक्सेंट रखना है या इंग्लिश एक्सेंट रखना है, नहीं, यू हैव टू बी अ न्यूट्रल एक्सेंट, दैट्स इट। अब एग्जाम्स आप कब दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, उनकी बात करते हैं। अब बात करते हैं कि आईएलटीएस एग्जाम आप कब दे सकते हैं। यूजुअली अगर आप अकेडमिक्स एग्जाम की बात करते हैं तो महीने में 4 बार हमारे अकेडमिक्स एग्जाम्स होते हैं जो आप दे सकते हैं। जनरल यूजुअली इट इज ट्वाइस अ मंथ आप दे सकते हैं, एंड इंडिया में 2 एजेंसीज हैं जो हमारे आईएलटीएस एग्जाम का डाक करती हैं, वन इज योर ब्रिटिश काउंसिल एंड द सेकेंड इज आईडीपी ऑस्ट्रेलिया। आप दोनों में से किसी का भी एग्जाम दे सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि भैया मैं कनाडा जा रहा हूँ तो मुझे ब्रिटिश काउंसिल से देना है, आप दोनों में से किसी से भी दे सकते हैं, दोनों का फॉर्मेट सेम होता है, दोनों का प्रोसीजर सेम होता है। और यूजुअली आपको एटलीस्ट 15 डेज पहले आपको बुक कराना पड़ता है, वरना अगर सीट अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए उन्होंने एक टाइम पे 1000 लोगों के एग्जाम्स लेने हैं, तो अगर आप 1001 हैं तो आपको नेक्स्ट डेट मिलेगी, वो डेट नहीं मिलेगी। इसके अलावा मान लीजिए मैंने आज एग्जाम दिया 10th को, तो आपका 10 वर्किंग डेज के बाद आपका रिजल्ट आता है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा हमें मान लीजिए 7.5 बैंड चाहिए, तो मेरे 7 आए हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा या पीआर नहीं होगा, वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, तो आप दोबारा दे सकते हैं। यहाँ पर अटेम्प्ट्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, और आपका एक रिजल्ट जो है वो 2 ईयर्स पूरे 2 साल के लिए वैलिड होता है। मान लीजिए मैंने एग्जाम आज दिया, मैं आज प्रिपरेशन कर सकती हूँ, मैंने आज दे दिया और मुझे जाना नेक्स्ट ईयर है 2018 में, तो नो प्रॉब्लम, मेरा एक एग्जाम का रिजल्ट 2 साल 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है राइट फ्रॉम द डे ऑफ योर एग्जाम। सो यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ व्हेनेवर यू आर कंफर्टेबल एंड यू कैन अप्लाई।